हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी वाले पोर्शन में जो डिजीज़ हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट की थी वो थी ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, जो पक्सीनिया से होता है। और ये भी बताया था कि पक्सीनिया की जो स्टेजेस होती हैं वो 5 स्टेजेस होती हैं। तो हमने कल की वीडियो में पहली स्टेज यूडोस्पोर को डिस्कस किया, यूटल स्टेज को डिस्कस किया, बताया था कि यूडोस्पोर किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इनका इन्फेक्शन होता है। यूडोस्पोर के बारे में एक जो खास बात है, इम्पोर्टेंट बात जो है ये है कि इनमें री इन्फेक्शन की पावर पाई जाती है, कि इनके इन्फेक्शन से फिर से होस्ट इन्फेक्ट। आज हम बात करेंगे टीलेज स्टेज की। व्हेन द प्लांट अप्रोचेस मैच्योरिटी ऑफ और व्हेन प्लांट फेल्स बिकॉज ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन, द यूरोडिया प्रोड्यूस टिल्डोस्पोर इंस्टेड ऑफ इरोडोस्पोर। टीलिया में ऑल्सो डेवलप फ्रॉम इरोडोस्पोर इन्फेक्शन। टीलियोस्पोर डोंट इन्फेक्ट वीट, दे आर ओवर विंटरिंग स्टेज ऑफ फंगस, ऑल्सो रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू जीनोटाइप रिकॉम्बिनेशन ऑफ फंगस। तो टीले स्टेज एक्चुअल में क्या होती है? देखिए, टीले स्टेज के बारे में हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हमने गेहूं की फसल बो रखी है और फरवरी के बाद इसमें टेम्परेचर जब बढ़ना स्टार्ट होता है तो वही वाला माइसीलियम जो अब तक यूटोस्पोर बना रहा था, वही माइसीलियम अब टेलिटोस्पोर बनाने लगता है। और जो टेलिटोस्पोर होते हैं ये ब्लैक कलर के स्पोर होते हैं, इसीलिए इस डिजीज को ब्लैक रस्ट डिजीज नाम दिया गया है। इसका इन्फेक्शन लीफ से लेकर स्टेम तक होने लगता है। तो हम इस प्रकार से पूछ सकते हैं, एट द क्लोज ऑफ वीट सीजन द रूडोसोराई ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेलिटोस्पोर इन एडिशन टू रूडोस्पोर। द रूडोसोराई आर ultimately covered into Teletosauri and produce Teletospore exclusively. Teletosauri are also produced independently from the mycelium formed by the late infection of Iridospore. यानी कि वही वाला mycelium जो जिसने अब तक Iridospore बनाया था, वही mycelium Iridospore की जगह अब Teletospore बनाने लगता है। The Teletosauri appear as black raised streak along leaf, seed and stem of infected plant. जो Teletospore होते हैं, यानी जो Teletosauri जो होते हैं वो infected plant की leaf तथा stem पर black कलर के spot के रूप में, pustules के रूप में या black कलर की rust के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए इस disease को नाम black rust पड़ा। द ग्रुप ऑफ बायोन्यूक्लिएट सेल्स विच गिव राइज द टेलिटोस्पोर आज नोन एज टीलिया। तो ये जो बायोन्यूक्लिएट सेल होती हैं जिससे टेलिटोस्पोर का निर्माण होता है, इसे हम टीलिया बोलते हैं। अब बात करते हैं टेलिटोस्पोर के स्ट्रक्चर के बारे में, टेलिटोस्पोर कैसे दिखाई देंगे। देखिएगा, इन्फेक्शन तो देखिए ब्लैक ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे स्टेम पर और लीफ पर ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। इरिडोस्पोर से जो टेलिटोस्पोर में कन्वर्ट होते हैं। द टेलिटोस्पोर इज स्टॉक्ड बाय सेल्ड स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर। स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होंगे, बाई सेल्ड होंगे, स्टॉक्ड होते हैं। Constricted slightly at the septum.
सेप्टम पर थोड़े से जो जो इन दोनों बाइसल स्ट्रक्चर जो है इसके जो सेप्टम होता है इन दोनों के बीच, ये थोड़ा सा ये यहाँ पर कंस्ट्रिक्टेड होते हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन दिखाई देगा ये देखिएगा, ये ओरिजिनल स्लाइड है जो टेलीटोस पर इसमें दिखाई देते हैं इस प्रकार से ब्लैक कलर के टेलीटोस्पोर। द वॉल ऑफ अ टेलीटोस्पोर इज थिक, हाँ ये भी हमें ध्यान रखना है, इसका जो करेक्टर होता है इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, थिक एंड स्मूथ, एंड द टिप इज यूजुअली पॉइंटेड और राउंड। ईच सेल ऑफ द टेलीटोस्पोर इज बाइडिप्लेट एंड प्रोवाइडेड विद ए जर्म पोर। जो टेलीटोस्पोर की जो सेल होती है प्रत्येक सेल पर एक सेल में एक जर्म पोर पाया जाता है, यानी कि जर्म पोर जहाँ से जर्मिनेशन होगा, जर्म ट्यूब निकलेगी और बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। द जर्म पोर इज एट द एपेक्स इन द अपर सेल वेयर इज इट इज जस्ट बिलो द सेप्टम इन द लोअर सेल। एट द टेलीटोस्पोर मेच्योर द टू सेल्स टू न्यूक्लियाई इन ए सेल फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस, यानी कि जब जर्मिनेशन होने वाला हो कि जो प्रत्येक सेल एक डाइकैरियोटिक सेल है, यानी कि जिसमें दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और इनका फ्यूजन भी हो जाता है। देखिएगा इस प्रकार से टेलीटोस्पोर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थिक वॉल दिखाई दे रहा है, सेप्टम दिखाई दे रहा है। देखिएगा ये तो सेप्टम वाला पोर्शन है, ये सेप्टम वाला पोर्शन है, ये जो थिक सेल वॉल है ये वाली जो दिखाई दे रही, और प्रत्येक सेल जो होती है वो बाई न्यूक्लिएट होती है, इनमें दो न्यूक्लियाई होते हैं। तो रहा इसका स्ट्रक्चर। वेयर इज इट इज जस्ट बिलो द सेप्टम इन द लोअर सेल एज द टेलीटोस्पोर मेच्योर द टू न्यूक्लियाई इन ए सेल फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज होकर एक सिनकेरियोन बना लेते हैं। अब देखेंगे इरिडोस्पोर से ये किस प्रकार से अलग हैं। लाइक इरिडोस्पोर द टेलीटोस्पोर ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द ओवरलाइंग एपिडर्मिस, जैसे रूडोस्पोर का निर्माण हुआ और एपिडर्मिस रप्चर हुई, एक प्रेशर क्रिएट, जब इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे जो होस्ट की एपिडर्मिस है रप्चर हो जाती है, उसी प्रकार से टेलीटोस्पोर भी एपिडर्मिस को प्रकार से जो टेलीटोस्पोर के का जो एक अमाउंट बनता है उससे जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ उससे होस्ट एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है। होस्ट एपिडर्मिस रप्चर्ड एंड द स्पोर्स आर एक्सपोज्ड, द टेलीटोस्पोर एक्ट इज रेस्टिंग स्पोर एंड मे सर्वाइव मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन। देखिए ये देखें हम कि जब तक वीट प्लांट पर टेलीटोस्पोर बनते हैं, जब तक इनका बनना स्टार्ट होता है, बनते हैं मेचोर, तब तक ये समझ लीजिएगा फसल काट, मई जून के टाइम तक, अप्रैल के बाद ये फसल काट ली, गेहूँ की फसल काट ली जाती है, और जब गेहूं की फसल कट जाती है तो ये जो टेलीटोस्पोर्स होते हैं जो उसका स्टॉक बचता है सॉयल हो उस पर ही सर्वाइव करते हैं, और एक प्रकार से अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं और रेस्टिंग स्पोर की तरह ही बिहेव करते हैं। दे आर इनकैपेबल ऑफ री इन्फेक्टिंग वीट, क्योंकि ये वीट प्लांट को डायरेक्ट तो इन्फेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट इन्फेक्शन की जो क्षमता होती है केवल इरिडोस्पोर में होती है, इसलिए वो जो स्टेज है इरिडल स्टेज जिसमें इरिडोस्पोर बनते हैं वो पक्सीनिया की सबसे हार्मफुल स्टेज मानी जाती है, सबसे ज़्यादा हानि करती। दे आर इनकैपेबल ऑफ री इन्फेक्टिंग वीट प्लांट्स, दे डोंट जर्मिनेट अंटिल द नेक्स्ट स्प्रिंग, अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ हाई एटमोसफेयरिक ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर दे जर्मिनेट इन सॉयल, नो होस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर जर्मिनेशन। इनका एक्चुअल में जो जर्मिनेशन होता है या जो ये स्टेज होती है इसकी जर्मिनेशन की, जैसे बेसिडियोस्पोर बनते हैं, इसके लिए किसी होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये सॉयल पर या स्टॉक पर ही हो जाता है। किस प्रकार ये जर्मिनेट करते हैं देखते हैं। जर्मिनेशन ऑफ टेलीटोस्पोर ऑन सॉयल,
फेवरेबल कंडीशन प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, जर्मिनेशन टेल्टोस्पोर, जर्मिनेशन ट्यूब, एपिवेसियम। एक प्रकार से हम बेसिडियल स्टेज की बात कर रहे हैं। देखिएगा किस प्रकार से जर्मिनेट कर रहा है, टेल्टोस्पोर जर्मिनेट कर रहा है, ये जर्म ट्यूब निकली है, ये देखिएगा ये जर्म ट्यूब निकली है, बहुत ही ओरिजिनल और बहुत अच्छी स्लाइड है। इसमें जर्म ट्यूब को पूरा नेचुरल जर्म ट्यूब का शो किया गया है, जर्मिनेशन ट्यूब निकली हुई है। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन इन स्प्रिंग्स द टेल्टोस्पोर जर्मिनेट, इट प्रोड्यूस वन जर्म ट्यूब फ्रॉम ईच सेल, प्रत्येक सेल से इसमें एक जर्म ट्यूब का निर्माण होता है। देखिए जर्म ट्यूब बनी हुई। द जर्म ट्यूब हैज लिमिटेड ग्रोथ एंड इज नोन एज प्रोमाइसीलियम। जो उसकी जो ग्रोथ होती है टेल्टोस्पोर की, जो जर्म ट्यूब बनती है, एक लिमिटेड उसकी ग्रोथ होती है और एक प्रकार से ये पार्ट बनाती है जिसे हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं और इसे हम इसे एपिवेसीडियम भी कह सकते हैं। देखिए ये एपिवेसीडियम बन गया, एपिवेसीडियम या प्रोमाइसीलियम बोल सकते हैं। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस मूव्स इन द प्रोमाइसीलियम एंड डिवाइड म्यूटिकली टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। इसमें देखिए फोर हैप्लॉयड, ये जो सिनकैरियोन था डिवाइड होकर चार हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाएगा। मियोसिस डिवीजन होता है जिसमें से जो दो न्यूक्लियाई होते हैं वो पॉजिटिव स्ट्रेन के और दो नेगेटिव स्ट्रेन के होते हैं। द प्रोमाइसीलियम नाउ डिवाइड इनटू फोर सेल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम। ईच सेल प्रोड्यूस ए सिंगल बेसिडियस स्पोर व्हिच इज बॉर्न एसिमेट्रिकली ऑन ए फाइन स्टिग्मेटा। द फोर बेसिडियस स्पोर आर दस फॉर्म ऑन ईच प्रोमाइसीलियम, टू ऑफ पॉजिटिव एंड टू ऑफ नेगेटिव स्ट्रेन। इस प्रकार हमने देखा कि जो एपिवेसीडियम है, प्रोमाइसीलियम है, इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, चार हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बने, इनकी बस सेपरेशन हुआ और स्टिग्मेटा के थ्रू ये न्यूक्लियाई जो है बेसिडियोस्पोर में चला जाता है और बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। अगर हम बेसिडियोस्पोर की बात करें तो जो प्रत्येक बेसिडियोस्पोर होता है छोटा यूनिसेलुलर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ये इसका जो डिस्चार्ज होता है वो विंड वायु द्वारा होता है। दे कैन जर्मिनेट ओनली ऑन लीव्स ऑफ अल्टरनेट होस्ट, और इसका जो जर्मिनेशन होता है वो इसके अल्टरनेट होस्ट केवल बारबेरी पर ही हो सकता है। बेसिडियोस्पोर कैन सर्वाइव ओनली फॉर फ्यू डेज एंड दे पेरिश इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट होस्ट। ये बहुत कम टाइम के लिए, जैसे कि जो टेल्टोस्पोर होते हैं उनका सर्वाइवल अच्छा होता है लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए सर्वाइवल रहते हैं। अगर इनको होस्ट नहीं मिलता है तो ये इनकी डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा आज इसकी टेल्टोस्पोर स्टेज और बेसिडियोस्पोर हमने पक्सीनिया की आज पढ़ी। अगले वीडियो में हम इसके अल्टरनेट होस्ट पर पाए जाने वाली स्टेज को पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।